खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। राहुल गांधी दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे, ये आज की बड़ी खबर है। आप जानते हैं इसकी पुष्टि कांग्रेस ने कर ही दी है। यूपी के अमेठी के अलावा केरल के वायनाड सीट पर भी उनकी उम्मीदवारी रखी गई है। जैसे ही इसका अनाउंसमेंट हुआ, बीजेपी फौरन मैदान में उतर आई। यूपी के बागपत में अध्यक्ष अमित शाह ने रैली में यह कहा कि राहुल गांधी को अमेठी में हार का डर है, इसीलिए वो केरल भागे हैं। उधर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि चूंकि केरल में अल्पसंख्यकों की तादाद ज्यादा है, इसीलिए वो केरल गए हैं। आज का सीधा सवाल यही है कि दो सीटों पर लड़ना डर कर भागना है या फिर रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा। ये रिपोर्ट देखिए आप। पहले राहुल गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर। आप सबको मालूम है अमेठी में इस बार उनका हिसाब किताब चुकता होने वाला है। देखिए, राहुल गांधी जी एक जगह से लड़ें कि दो जगह से लड़ें कि तीन जगह से लड़ें, उनकी हार तय है। जब भाग में हार लिखी होती है तो कहीं चले जाइए, हार ही हार मिलेगी। अमेठी में उन्होंने हार स्वीकार कर लिया है। तो अमेठी के साथ साथ दक्षिण से लड़ने की क्यों आवश्यकता पड़ती राहुल जी को? क्योंकि रायबरेली और अमेठी का तो कोई गाँव ऐसा नहीं है जिसमें प्रियंका जी ना घूमी हो, और अगर वहाँ भी डर है कि पराजय हो सकती है तो ये गंभीर विषय है। अमेठी का रण क्षेत्र छोड़ने के बाद श्री राहुल गांधी रण छोड़ गांधी बन गए। नहीं, दो दो जगह से चुनाव लड़ने के बड़े नेताओं के पहले से ही स्वभाव और व्यवहार रहे हैं। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक सीटों से लड़ सकता है, लेकिन कांग्रेस का और श्री राहुल गांधी जी का डर हमको तो अच्छा लगा है। क्या स्मृति ईरानी जी ने आज तक पंचायत का चुनाव भी जीता है? क्या वो कभी मेंबर पंचायत बनी है? उन्होंने तीन चुनाव लड़े, एक चांदनी चौक से, दूसरा अमेठी से। दोनों चुनाव वो बुरी तरह उन्होंने शिकस्त पाई और अब तीसरी बार हार की हैट्रिक की अमेठी ने तैयारी कर रखी है। स्मृति जी को बैरंग लौटा देगी अमेठी। एक बार फिर से आपको, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने जो राहुल की दो जगहों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था वो सुनवाते हैं। सुरजेवाला ने दो जगह से राहुल के चुनाव लड़ने की वजह भी बताई है। अब ध्यान से सुनिए ये बयान। राहुल गांधी जी वायनाड सीट से भी लड़ेंगे, और वायनाड ही क्यों? क्योंकि वायनाड का एक अनोखा स्वरूप है, भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों। भौगोलिक और सांस्कृतिक तौर से तीनों प्रांतों को, दक्षिण भारत के प्रांतों को जोड़ने वाली यह बेहतरीन संसदीय क्षेत्र है, जहां एक तरफ तमिलनाडु का पूरा नीलगिरी और तेनी का इलाका आ जाता है और दूसरी तरफ कर्नाटक का मैसूर का क्षेत्र को ये सीट जोड़ती है। तो एक तरह से तीनों प्रांतों का प्रतिनिधित्व, उनकी भौगोलिक और सांस्कृतिक शैली का प्रतिनिधित्व ये वायनाड का संसदीय क्षेत्र करता है, और इसीलिए पार्टी ने और श्री राहुल गांधी जी ने ये निर्णय किया कि वो एक तरह से इन तीनों प्रांतों का प्रतिनिधित्व इस सीट संसदीय क्षेत्र से लड़कर कर पाएंगे। और दक्षिण और उत्तर भारत में जिस प्रकार का एकजुटता का सूत्र है उसे और मजबूत कर पाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए ये एक हर्ष का दिन है कि दूसरी सीट अमेठी के बाद वायनाड सीट से भी श्री राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। सुना आपने, कांग्रेस का ये दावा है कि राहुल गांधी दोनों जगह से चुनाव जीतेंगे। स्मृति ईरानी इस बार हार की हैट्रिक लगाने वाली है। अब आपको राहुल गांधी के दो जगह से चुनाव लड़ने पर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने क्या कहा, हमला बोला, वो भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बयान हैट्रिक वाली। क्या स्मृति ईरानी जी ने आज तक पंचायत का चुनाव भी जीता है? क्या वो कभी मेंबर पंचायत बनी है? उन्होंने तीन चुनाव लड़े, एक चांदनी चौक से, दूसरा अमेठी से। दोनों चुनाव वो बुरी तरह उन्होंने शिकस्त पाई और अब तीसरी बार हार की हैट्रिक की अमेठी ने तैयारी कर रखी है। स्मृति जी को बैरंग लौटा देगी अमेठी। राहुल गांधी के दो जगह से चुनाव लड़ने पर बीजेपी अध्यक्ष, देखिए कर तो वो चुनाव रैली रहे थे बिजनौर में, लेकिन जैसे उनको ये खबर मिली उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप। आज मैंने अभी आते आते पढ़ा, व्हाट्सएप पर आ रहा था, राहुल गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर।
क्यों केरल भागे हैं? आप सबको मालूम है अमेठी में इस बार उनका हिसाब किताब चुकता होने वाला है, तो वहां पर केरल के अंदर जाकर ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है इसके आधार पर विजेता बनने चाहते हैं राहुल बाबा, कहीं पर भी घूम लो। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी फिर आए, वो कह रहे हैं कि डूबते जहाज को छोड़कर कप्तान जो है वो केरल भाग गए हैं। मोदी जी 2014 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उनकी पहली घोषणा हुई थी काशी से, और जो लोग पुराने हैं उनको मालूम होगा टीवी में मैं भी उनके नामांकन में था। गुजरात के लोगों ने कहा कि आप 14 साल मुख्यमंत्री रहे, यहां से भी आपको लड़ना चाहिए। तब वो लड़े, जीते और उन्होंने काशी को रिटेन किया, वाराणसी को। यहां भय, असुरक्षा, असुविधा, अनिश्चितता के माहौल में पलायन हो रहा है। विजय सोनकर बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ, बीजेपी के नेता हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। अभी कुछ ही देर में हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़ जाए, और विजय सोनकर तो हमारे साथ जुड़ ही गए। अभय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर यहां पर नजर आ रहे हैं, मैं शुरुआत पत्रकार से ही करना चाहूंगी। अभय जी, बीजेपी के इन तमाम बड़े लीडर्स का ये कहना, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो कानून मंत्री हो, कि ये डर के भाग गए हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है। स्मृति ईरानी जितना 5 सालों से काम कर रही है वहां पर, जितने दौरे उन्होंने किए हैं, उससे कहीं घबराए हुए राहुल गांधी नजर आए? नहीं, अगर 2014 के मुकाबले आप तुलना करें तो आप पाएंगे कि राहुल गांधी की जमीन अमेठी में 2014 के मुकाबले काफी मजबूत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जीतेंगे हारेंगे, मुझे क्या पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि 2014 में जो भाजपा विरोधी वोट्स जो थे वो तमाम बिखरे हुए थे, और राहुल गांधी के लिए ज्यादा बड़ी समस्या थी। वहां आम आदमी पार्टी भी वहां पहुंची हुई थी, वहां अमेठी में कुमार विश्वास के रूप में। आज ये है कि जो भाजपा विरोधी शक्तियां हैं प्रमुख सपा और बसपा ने, उन्होंने तय किया है कि राहुल गांधी के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। तो जितने भी भाजपा विरोधी वोट हैं वो तो राहुल गांधी को मिलना सुनिश्चित है। तो 2014 के मुकाबले आज उनकी जमीन वहां पे अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत है। अब आप पूछ सकते हैं तो भाई छोड़ वहां क्यों रहे या वहां दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं? हाँ। इसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक राष्ट्रीय नेता है वो ये भी सोच सकता है कि भाई हम देश के दो बड़े हिस्सों से लड़े, एक दक्षिण भारत से लड़े, उत्तर भारत से लड़े, एक ये पहलू हो सकता है। अब अपने मन में अगर कहीं असुरक्षा है राहुल गांधी के, तो मैं नहीं कहता, क्योंकि विश्लेषण करने से नजर आता है गौरव बल्लभ कांग्रेस के प्रवक्ता सर पहले से बेहतर है। गौरव बल्लभ हमारे साथ जुड़ गए। गौरव बल्लभ, राहुल गांधी डर गए हैं, एक परसेप्शन होता है ना, एक वो साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी डर गए हैं, इसीलिए उन्होंने दूसरी सीट को भी चुन लिया, वायनाड को चुन लिया। रूबिका जी, हिंदुस्तान की विश्व में अगर हिंदुस्तान का कभी भी कोई देश वर्णन करता है तो यह विविधता में एकता की बात करता है, पर पिछले 5 साल में रूबिका जी मैं आपको ऐसे कई इंस्टेंसेस दूंगा जहां मोदी जी ने नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण के बीच में भेद करने की कोशिश की। आपको एक वाक्य याद दिलाता हूं, वित्त आयोग के थ्रू केंद्र राज्यों को पैसे एलोकेट करता है, वित्त आयोग की सिफारिशों के खिलाफ दक्षिण भारत के 5 राज्यों के वित्त मंत्री ने मोदी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठे, क्या केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक, क्योंकि वो नॉर्थ साउथ का डिवाइड करना चाह रहे हैं। राहुल जी का दक्षिण भारत से लड़ने का एकमात्र कारण ये है कि ये जो नॉर्थ साउथ जो एंटी साउथ जो मोदी जी की पॉलिसी है वो हम साउथ इंडिया को भी बताना चाहते हैं कि हमारे दिल में आप भी उतने ही जगह पर हो, उतने ही महत्वपूर्ण हो जितने कि नॉर्थ इंडिया। गौरव बल्लभ, वाकई शानदार, मतलब मुझे ताली बजानी चाहिए। आप जो इसके पीछे की गणित को समझा रहे हैं कि ये नॉर्थ और साउथ को तोड़ दिया जा रहा है, इसीलिए राहुल गांधी ने, मुझे नहीं पता कितने लोग इस पर विश्वास करेंगे, लेकिन मुझे जरा विजय सोनकर शास्त्री जो है एग्जांपल भी दिया। हाँ हाँ, इसीलिए तो, अरे सर इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि काबिले तारीफ है। नहीं, ये जो वजह आपने बताई है ये वजह तो कोई सोच भी नहीं सकता था।
और इतनी डीप थिंकिंग इसके पीछे है, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। गौरव बल्लभ, मैं समझ गई ना सर, आप विजय सोनकर शास्त्री जवाब। मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ, फिर आप बीजेपी के हमारे मित्र के पास चले जाना। आप कभी भी दक्षिण भारत के कोई व्यक्ति से पूछ लीजिए, पिछले 5 साल में नॉर्थ साउथ का डिवाइड ज्यादा हुआ है कि नहीं। रूबिका जी, आपने आज आपका आपके तो सब जगह पत्रकार है, चेन्नई में भी है, त्रिवेंद्रम में भी सर, मैंने खुद कर्नाटक के जब चुनाव हुए थे सर, मैं कर्नाटक, आप तो जानते हैं गौरव बल्लभ, आप कितनी दफा मेरे साथ डिबेट में बैठे हैं। खुद कर्नाटक का जब चुनाव हो रहा था, पूरा टाइम हम लोग वहीं पर मौजूद थे। लेकिन विजय सोनकर शास्त्री, आप लोगों ने यहां भी तोड़ दिया भाई, साउथ और नॉर्थ, उत्तर और दक्षिण के बीच में दरार ला, इसीलिए राहुल गांधी इस आइडिया के साथ आए। देखिए, ये लोगों को भय व्याप्त हो गया है, और भय का आलम यह है कि ये लोग क्या बातें कह रहे हैं, शायद इनको भी समझ में आता होगा कि नहीं आता होगा। मैं आपको बस इतना जरूर बताना चाहता हूं रुक्का जी, कि अभी हमारे मित्र अभय दुबे जी ने जो बातें कही, मान लीजिए वो बातें सही है, और मैं एक और डेटा दे देता हूं पिछले चुनाव का, जिसमें राहुल जी को 4 लाख वोट लगभग मिला था और स्मृति जी को 3 लाख मिला था, कुमार विश्वार को 25,000 मिला था। मान लीजिए ये सब भी इक्वेशन देखा जाए तो राहुल गांधी तो बहुत 20 लगते हैं, बहुत मजबूत लगते हैं, इसके बाद क्यों भाग रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए भाग रहे हैं। क्या मतलब, नहीं विजय सोनकर पता चल गया है कि उनकी धरती खिसक चुकी है। नहीं, क्या मतलब भागने का, जब प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूँ, तो वो वडोदरा के साथ साथ वाराणसी से चुनाव लड़े थे ना, तब ये कहा गया था क्या, या इस शब्द का मैं इस्तेमाल अभी करूं उनके लिए तो ठीक होगा क्या भागना? आप नहीं, देखिए भागना का बिल्कुल स्पष्ट मतलब है, आप इसको थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होइए। प्रधानमंत्री के रूप के प्रत्याशी के रूप में जब मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे, वडोदरा से चुनाव लड़ रहे थे, तो ये हमारी एक स्ट्रेटजी थी, और स्ट्रेटजी किस बात की थी, इस बात के लिए नहीं कि उनको जीतने हारने का भय था, बल्कि इस बात का था कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में उनके मैसेज को किस तरह से ले जाएं। अरे विजय जी, और मोदी जी हमारे लिए सबसे बड़े चेहरे थे, अरे वाह, और उस चेहरे का वैल्यू था, ये बात तो राहुल गांधी भी कह सकते हैं। विजय जी मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन यहाँ नहीं, राहुल गांधी के बारे में आप सोचिए, ममता जी ने कल क्या कहा, क्या यही ममता जी का जवाब था? आज उनसे दूरियां लोग बना रहे हैं, दक्षिण भारत में क्या नहीं किया उन्होंने, किन नेताओं के साथ क्या नहीं किया, इसका एक हम कहें तो जवाब। अच्छा एक सेकंड गौरव बल्लभ, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि ये वायनाड क्यों जा रहे हैं, वायनाड क्यों जा रहे हैं मुझे बताना सर, अभी एक घंटा है ना, ये क्यों वायनाड जा रहे हैं, एक घंटा है ना विजय, 2014 में क्यों केरल भाग रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत जमीन, मेरी बात आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनावी मुश्किलों का सामना करना कर रही है। मुझको दीजिए, खुद भाजपा के लोगों से अगर अमंदर खान ने पूछे तो वो ये बताते हैं, ये कहते हैं कि केवल 3 सीटें ऐसी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जिसको भाजपा मानती है कि वो इस गठबंधन के बावजूद भी जीतने की गारंटी है। एक है बनारस की सीट, एक है लखनऊ की सीट, और एक है गाजियाबाद की सीट। बाकी सभी सीटों के ऊपर भाजपा को कड़ा संघर्ष उत्तर प्रदेश में झेलना पड़ रहा है, क्योंकि सामाजिक शक्तियां उसके खिलाफ थी, वो एकजुट हो गई हैं। सीधी सी बात है, ये लोकप्रियता का सवाल नहीं है, ये सीधे सीधे वोटों का गणित है, और भारतीय जनता पार्टी तमाम मुश्किलों का सामना करना कर रही है। और देखिए, बाकी जगहों पर तो कहीं कांग्रेस त्रिकोणात्मक मुकाबला कर भी दे, लेकिन अमेठी और रायबरेली दो जगह ऐसी हैं जो महागठबंधन ने कांग्रेस के लिए छोड़ दी हैं, वहां तो सीधे सीधे विपक्ष एक ही एक उम्मीदवार भाजपा के खिलाफ होगा, तो वहां तो भाजपा विरोधी वोटों का गोलबंदी। अरे वहां राहुल गांधी की हालात खराब है, वहां की जनता को इनकी हकीकत पता चल गया है, आप जानते हैं वहां की जनता को, जनता इनको भगवान समझती थी, लेकिन स्मृति जी ने 5 सालों में वहां की जनता को ये बता दिया कि ये भगवान नहीं है, बल्कि ये आप लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपके हकों को लूटते हैं। गौरव भाटिया, ये उन्होंने वहां पर प्रमाणित किया है, ये जनता को उन्होंने बताया। विजय सोनकर आप रुकिएगा एक सेकंड, गौरव बल्लभ मेरा सवाल, एक सेकंड, दो सवाल है, लेकिन पहला सवाल मैं पहले रखती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार गांधी परिवार को
उन तीन सीटों ने दिया, और मैं चलिए तीन भी छोड़ दीजिए, दो सीटों ने दिया। आपने क्या किया अमेठी रायबरेली के लिए? वो वैसे ही गांव है, वहां वैसे ही अभी भी लोग बगैर चप्पल के बगैर जूतों के घूम रहे होते हैं, वही मजलूमी, वही गरीबी, वही परेशानी और दुख वहां पर दिखाई देता है। क्या किया आपने अमेठी के लिए, बताइए मुझे। मैं जवाब देता हूँ रूबिका जी। अगर हम इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे देखें, भले ही वो पर कैपिटा इनकम हो, पर व्यक्ति बिजली की उपलब्धता हो, पर व्यक्ति रोजगार की उपलब्धता हो, पब्लिक सेक्टर का निवेश हो, वो उत्तर प्रदेश के पहले तीन जिलों में है। मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ, मेरे पास डेटा है, आप चाहे तो मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। और दूसरी बात, जब सोनकर जी बोल रहे थे तो क्या 1919 में सोनकर जी की सुनिए ना, ऐसे चिल्ला चोट मत कीजिए, तो अच्छा नहीं लगता। अरे पर विजय सोनकर जी काम ही तो बता रहे, वो कह रहे मेरे पास पर्चा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। आपको आंकड़ों से इतना डर क्यों लगता है? रुकिए ना, आंकड़ा बता रहे हैं। नहीं, आप पढ़ के बताइए मुझे, आंकड़े बताइए गौरव वल्लभ। अगर आपको वक्त चाहिए वो पेपर खोजने में, तो मैं वक्त दे देती हूँ आपको, लेकिन आप मुझे बता दीजिए, आप उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में अमेठी और रायबरेली कहाँ है, स्टैंड करते हैं देश में, कहाँ स्टैंड करते हैं, मुझे बता दीजिए, देश की जनता को बता दीजिए। कुछ नहीं किया है अमेठी में इन लोगों ने, देखे ना सर, देखे जरा। अगर जी, अगर मैं ये मानू की पर कैपिटा इनकम अमेठी में आपने किया है एक काम, तो पहले तीन जिलों में अमेठी है पर कैपिटा इनकम, पर व्यक्ति बिजली की उपलब्धता, पर व्यक्ति पानी की उपलब्धता। और अगर पब्लिक सेक्टर का निवेश मानू, भले ही वो BHEL का निवेश हो, भले ही वो रेल की फैक्ट्री हो, भले ही वो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री हो, वो सब वहाँ पे है रोजगार के। अगर पब्लिक सेक्टर से सबसे ज्यादा अगर रोजगार उत्पन्न कहीं हुए उत्तर प्रदेश में, तो वो अमेठी में हुए। अब मेरी दूसरी बात, शास्त्री जी बता दे, आंकड़ा नहीं बताया आपने मुझे, आंकड़ा नहीं बताया। मैंने तो आपको इतना, मैंने ओपन फील्ड दिया सर आपको खेलने के लिए। गौरव वल्लभ बताइए, कीजिए राहुल जिंदाबाद, मैंने तो मौका दिया आपको, आप आंकड़े कहाँ बता पा रहे हैं मुझे? टू द पॉइंट आंकड़े बताइए, अमेठी को आप कहाँ तक पहुँचा पाए हैं? राहुल गांधी ने अमेठी को क्या वाकई अमेरिका बना दिया है, बताइए मुझे। मैम, मैं फिर इसका काउंटर क्वेश्चन, मैं किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहता, पर उत्तर प्रदेश में आज पर कैपिटा में अमेठी पहले तीन जिलों में है, पर व्यक्ति बिजली की उपलब्धता में पहले तीन जिलों में है, विजय सोनकर शास्त्री, अस्पताल की उपलब्धता में पहले तीन जिलों में है, सोशल और इकोनॉमिक गवर्नेंस के पैरामीटर उत्तर प्रदेश के पहले तीन जिलों में। अमेरिका बनाने की बात नहीं करता हूँ, बनाने की बात, झूठ बोल देने से क्या होगा, झूठ बोल देने से विजय सोनकर जी इसका जवाब नहीं मिल पाएगा। गौरव वल्लभ रुक जाइए, गौरव वल्लभ आपके ये कह रहे हैं कि बिजली का मामला हो तो तीन जिलों में अमेठी आ जाता है, ठीक है, आप कह रहे हैं जॉब का मामला हो तो तीन जिलों में, पहले तीन जिलों में अमेठी है। रुकिए ना, रुकिए रुकिए, ये आपने कहा। अच्छा विजय सोनकर शास्त्री, सच क्या है, सिर्फ झूठ मत कह दीजिएगा, मुझे उसका काउंटर दीजिएगा कि वो तीन जिले बता दीजिए जिसमें अमेठी नहीं है, तब तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी, या फिर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा इंतजार करूं, आप अपने आंकड़े कहीं से मंगवा लें, मैं, मुझे वो भी चल जाएगा, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। रूबी रूबी जी, अमेठी में न बिजली है, न वहां पर रोड की व्यवस्था है, और कोई भी देखता है वहां दिखलाया गया है, बहुत सारी चीजें दिखलाई गई है। ऐसा नहीं है कि वहां के लोगों को इस प्रकार से जो ये लोग झूठ बोल करके भ्रमित करते हैं वो करें। देखिए, वहां पर बिजली के हालात ये है कि अब जब से हम लोगों की सरकार आई है, हम लोग कोई किसी के साथ दुर्भाव नहीं रखते हैं, इसलिए वहां पर बिजली की पूरी व्यवस्था किए हैं। लेकिन जब तक हम लोगों की सरकार नहीं थी, क्या वहां की हालात थी? और जहां तक स्मृति ईरानी जी की बात है, 5 साल से सांसद वहां की न रहते हुए भी वो लगातार काम कर रही है, और डेटा उठा करके आप देख लें, जितना काम राहुल गांधी के द्वारा तो कहा ही नहीं गया कोई काम कराने के लिए। सर मैं क्या कह, वहाँ जो कुछ भी काम हुआ है, मैं जो सवाल पूछती हूँ ना विजय सोनकर शास्त्री, वहाँ के जनता के हित को ध्यान में रखकर किया है। एक सेकंड,
गौरव वल्लभ से मैंने क्या सवाल पूछा, विजय जी सुनिए मेरी बात, गौरव वल्लभ से मैंने क्या सवाल पूछा, अमेठी की हैसियत इस वक्त क्या है देश में मुझे बता दीजिए। मुझे दो आंकड़े समझ में आया, उन्होंने कहा कि पहले तीन जिलों में अमेठी का नाम आता है। मैं अभय जी के पास जा रही हूँ, अभय जी से कुछ सवाल जवाब हो, तब तक आप बता दीजिए गौरव वल्लभ देश के सामने क्लियर कर दीजिए, अमेठी सच, अमेठी के बारे में वो सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। ठीक है अभय जी, मैं आपका रुक कर, ये अगर राहुल गांधी को इतना कॉन्फिडेंस था जैसा आप कह रहे थे कि आंकड़े इस बार जो है वो पक्ष में विपक्ष के जाते हुए दिख रहे हैं, थोड़ी मजबूती दिख रही है, ठीक है, अगर ऐसा था तो वायनाड को क्यों चुना रूबिका? एकदम ये तो सेफेस्ट सीट है। देखिए मेरा तो मानना ये है रूबिका जी कि उन्हें वायनाड नहीं जाना चाहिए था, उसके पीछे उनका जो भी कारण रहा हो, मन में कहीं असुरक्षा की भावना हो, या मान लीजिए वो सोच रहे हो कि हम दक्षिण भारत की नुमाइंदगी भी करें, ऐसा भी होता है, कुछ नेता ये भी सोचते हैं कि उत्तर भारत की, भाजपा मुख्य तौर पर उत्तर भारतीय पार्टी मानी जाती है, उत्तर भारतीय, मध्य भारतीय और पश्चिम भारतीय पार्टी मानी जाती है, दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़कर भाजपा के पास कोई खास स्वतंत्र रूप से कोई जमीन नहीं है, तो अगर वहां राहुल गांधी जाकर एक उसके जरिए वायनाड के जरिए लड़ने एक वक्तव्य, राजनीतिक वक्तव्य देना चाहते हैं।